पाकिस्तान अफगानिस्तान से आपको लग रहा हार जाएगा सर? नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान हार गया ना फिर उसका वर्ल्ड कप खत्म है। तो सारी नजरें चेन्नई पर है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में भी है, डर का माहौल नहीं देखिए सीधी पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान को भी मौका मिला। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हम सेलिब्रेट करें या हम डरे। नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे लगता है पाकिस्तान उस मैच में यार जीतेगा। चेन्नई में तो क्या हो गया? चेन्नई में यार अफगानिस्तान, वेल प्लेड अफगानिस्तान यार, वेल प्लेड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हरा दिया किसको? डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, इंग्लैंड ठोक दिया 69 रन से, मतलब यार ये पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान ने हमने तो नहीं जाना, आज इंग्लैंड के लिए हमने भी नहीं जाना। डर जो है पाकिस्तान में भी है, डर का माहौल नहीं देखिए पाकिस्तान में भी है। अभी सीधी सी बात है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान तीनों को आज से 40 दिन पहले अलोंग विद इंडिया रखा गया था टॉप फोर में, अब सबने उसके बाद पाकिस्तान को हटा दिया गया और ये कहा नहीं यार न्यूजीलैंड है। पर जो साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली अभी तक, आई थिंक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया तीनों ने अच्छी क्रिकेट खेली है। अभी तो शुरुआती दिन है, दो दो तीन तीन मैच की बिना पे आप नहीं कह सकते कि यार ये पहुंच गया या ये, बट वो तीनों कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बिलो पार, ऑस्ट्रेलिया तो धड़ाम करके गिरा है। इंग्लैंड तो मैं इंग्लैंड को सच में मनोज देख के ना, जो जीता भी है मैच सर उस दिन भी हमने बात करी थी कि आप अगर ऐसी बैटिंग करोगे, आज वही हुआ है। इस बैटिंग ने एडिड प्रेशर लाना ही लाना था जॉस बटलर पर, जो रूट पर जब तक बेन स्टोक्स नहीं है कि भाई इस तरह इंग्लैंड को मारा है। इंग्लैंड का टॉप फोर में जाने का सपना मेरे ख्याल इस बार सपना ही रह जाएगा। बहुत बड़ा अपसेट इस साल का, इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट, रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को नेस्ता नाबूद कर दिया। हमारे सारे अफगान भाइयों को पहले बहुत 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 मुबारक हो भाई, हमेशा आप सपोर्ट करते हो इंडिया को, हमेशा आप पंप अप करते हो इंडिया को, बहुत बेस्ट मैसेज भेजी थी आपने जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था और आप जीते थे। सारी नजरें चेन्नई पर है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान क्या होगा उसकी पूरी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान को इस बार भी हरा पाएगी। भाई एक बात ये याद रखना, नसीम शाह नहीं है जो लास्ट ओवर में तुम्हें दो मैच जिता गया ना, नसीम शाह नहीं है, फजल अक फरूकी के सामने नहीं होगा, नसीम शाह अवेलेबल नहीं है, वो ये एडवांटेज हो गया अफगानिस्तान को। प्लस इनके स्पिनर्स भाई मुजीब हो, राशिद हो, नबी हो, अभी तो नूर बार बैठा हुआ है, कत्ले आम मचा के रख दिया इंग्लैंड की, ऐसी की तैसी कर दी ना। बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में जीतेगा उसको ये लगेगा चलो यार हम जिंदा हैं, और पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान तो फिर बेटर फील करेगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ से अच्छी चीज जो सर, है अगर अफगानिस्तान तीन मैच भी चलो वर्ल्ड कप के जीत जाता है तो तीन टीमों को तोड़ के भी जाएगा वो रास्ता आगे। देखो नेदरलैंड्स को तो वो तोड़ सकता है, मतलब तोड़ेगा, मुझे लग रहा है वो अफगानिस्तान को चेन्नई में खेलना है सर, इनकी वैसी अफगानिस्तान राइवलरी भी तो डेवलप चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आपको लग रहा हार जाएगा सर? बीते कुछ मुकाबले आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच कौन जीत रहा है? बीते मुकाबले इतने टाइट हुए, अब पाकिस्तान तो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा अच्छी हो गई, वो कह रहे हैं कि गए टीम में पता चला है। उससे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, सो दैट गेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच इज एज इंपॉर्टेंट भाई, कोई नसीम भी नहीं बचाने के लिए, नसीम भी नहीं बचाने के लिए। और एक चीज है फसाता है अफगानिस्तान भाई उस दिन पे पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान उस मैच में यार जीतेगा सर, ये सर निपट जाएगा। चेन्नई में, चेन्नई में तो क्या हो गया चेन्नई में? अच्छा उनके पास नहीं तो उसामा मीर को खिलाए ना, वो कहाँ खिलाएंगे फिर, बैटिंग कौन करेगा उनकी? वो यही तो बैटिंग नहीं ले पा रहे सर पाकिस्तान वाले, रिक्स तो लेना पड़ेगा, तो विक्स ले लो। मीर बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान ने हरा दिया किसको? डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, ठोक दिया 69 रन से, मतलब यार ये इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने आया भी है कि मतलब उनका दिल नहीं है? उनका बंदा जो चश्मे लगाकर बैठा हुआ है ना वहाँ, वो सोच रहे कि भाई अब आ जा बचा ले तू नहीं रहेगा तो हमारे बस की नहीं है। कि रिवाज जो है वो कायम रखना है, एक टीम से हारना ही हारना है। आयरलैंड से हारे, T20 वर्ल्ड कप से हारे, बांग्लादेश से हारे थे ये, एक चलो 2015 में, मैं अभी भी 2011 में आयरलैंड से। देखो ये हकीकत है कि अफगानिस्तान बेचारे टॉप चार में तो नहीं जा सकते, बट इन्होंने किसी ना किसी की पार्टी, और पार्टी किसकी कर रहे हैं? इंग्लैंड की। अच्छा एक ये अजीब ही म्यूजिकल चेयर हो गया, टीम भी चुनी है तो ऑस्ट्रेलिया ने हार के बाकी टीमों को कहा जी आप ही चले जाओ, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान ने हमने तो नहीं जाना, आज इंग्लैंड के लिए हमने भी नहीं जाना,
तो ये तीनों टीमें जो पहले आप खेल रही है ना, ये रिग्रेट करेंगे। जलेबी हमें नहीं खा रहे, पैट कमिंस ने भी जलेबी ऑर्डर कर दी होगी। अरुण जेटली वहां पर हो रहा है दिल दिल अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी है उसमें, इंग्लैंड भी है उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है रेस में। इनमें से मुझे समीकरण दोबारा समझाइए। एक तो ये कि अभी पॉइंट्स टेबल क्या है और नेट रन रेट क्या है। हां दोनों एक साथ समझेंगे। 70 रन से आ रहा है। हां 69 व्हिच मींस कि जो आपने पहले 35 ओवर में उन्होंने चेज किया न्यूजीलैंड ने, फिर आज आप 69 रन से आ रहे हो। आपका बीच में इनकी जो जीत आई थी सर, उसने थोड़ा बहुत कंपनसेट कर दिया तो फिर भी मतलब हां नहीं मतलब वो पहले -2 ये चल रहे थे, ये +1 ले आए थे 1 पॉइंट समथिंग। चलिए दिखाइए बट आज फिर गिर गए। 215 ऑल आउट है इंग्लैंड बाय द वे, बट नेट रन रेट पे नजर डालते हैं। इनकी ये है ना कि अब तीन टीमें जो आपकी तीन तीन जीत वाली हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा खराब और घटिया करना पड़ेगा एक तरीके से कि वो बाहर हो जाए वहां से, जिसमें आप इंडिया की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अगर कोई लड़खड़ाती भी है इनमें से तो साउथ अफ्रीका होगी, जो कि नहीं लग रहा कि लड़खड़ाएगी उनके। आपको बची एक जगह के लिए, आप पाकिस्तान के लिए आज ये संजीवनी हो गई है थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड एक तरीके से इन तीनों का कॉम्पिटिशन है, तो ये है कि भाई इन तीन में से आएगी तो एक ही। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान खेलना है, इंग्लैंड ने जो है फिर ऑस्ट्रेलिया भी खेलना है, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को भी खेलना है। तो इनके आपस के जो अपने अपने मुकाबले वो सब है। दोस्तों अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा अपसेट कर डाला है, जिसको लेकर इंडियन मीडिया बातें करता हुआ नजर आ रहा था। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम भी अफगानिस्तान से जीतने में बुरी तरह से नाकाम होगी, क्योंकि वो चेन्नई का ग्राउंड है और चेन्नई की विकेटें जो है वो स्पिन विकेट है, और अफगानिस्तान की जो टीम है वो स्पिनर का गढ़ माना जाता है। दोस्तों आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की टीम चेन्नई की विकेट के ऊपर अफगानिस्तान से जीतने में कामयाब हो पाएगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल की घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।